हाय, दिस इज पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज। गुजरात हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने जब तक स्कूल न खुले तब तक प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस लेने पर रोक लगा दी है। इसके बाद गुजरात के सबसे बड़े निजी स्कूलों के संगठनों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ किया है कि स्कूल प्रशासन तब तक फीस की मांग नहीं कर सकते जब तक दोबारा स्कूल खुल नहीं जाते। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए निर्णय ताकि अभिभावकों को मिल सके राहत। हाई कोर्ट ने अभिभावकों को राहत देते हुए फैसला सुनाया कि दोबारा स्कूल खोलने पर ही प्रशासन फीस की मांग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपलों ने एक बैठक की। इस बैठक में ऑनलाइन शिक्षा को बंद करने का फैसला किया गया है, लेकिन इसमें भी प्राइवेट स्कूल प्रबंधन संगठनों में मतभेद सामने आ गए हैं। कुछ स्कूल प्रशासकों ने ऑनलाइन क्लासेस बंद न करने की बात कही है। राजकोट के प्राइवेट स्कूल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य के शिक्षा विभाग ने स्कूल खुलने तक फीस नहीं लेने का प्रस्ताव पारित किया, इस पर स्कूल प्रशासकों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि बिना फीस स्कूल प्रशासक शिक्षक तथा कर्मचारियों के वेतन कैसे देंगे, इसके अलावा वे अन्य खर्च को वहन नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि इसके ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी स्कूलों को काफ़ी खर्च करना पड़ता है। इसके बाद 6,000 प्राइवेट स्कूलों ने छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का फैसला किया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में ऑनलाइन शिक्षा को रोकने का फैसला किया गया है। हालांकि स्टेट स्कूल प्रिंसिपल्स फेडरेशन के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि उनके संगठन के बोर्ड ने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उनके संगठन की सोच है कि किसी भी विकट परिस्थिति में शिक्षा का त्याग नहीं किया जाना चाहिए।